हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अविटेक में। मैं अभिषेक पांडे लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी वीडियो। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं काफी सेंसियर टॉपिक है दोस्तों, लोगों की एफबी आईडी हैक हो रही है और दोस्तों एफबी आईडी हैक करके लाखों का स्कैम किया जा रहा है। दोस्तों अब आप बोलेंगे यार एफबी आईडी हैक करके, एफबी आईडी के हैक होने से और लाखों के स्कैम में क्या कनेक्शन है? दोस्तों बहुत बड़ा कनेक्शन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी किन गलतियों की वजह से हमारी एफबी आईडी हैक होती है और एफबी आईडी हैक करके लाखों का स्कैम में क्या कनेक्शन है, और दोस्तों तीसरी कि हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी सेटिंग करें कि किसी को अगर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड भी पता चल जाए उसके बावजूद भी हमारी एफबी आईडी को ओपन ना कर पाए। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा प्रॉमिस लेना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो या ना करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, अगर मेरे वीडियो आप चाहोगे तो 100% सब्सक्राइब करोगे। लेकिन दोस्तों ये कुछ भी मत करो, लेकिन आपको एक छोटा सा प्रॉमिस करना होगा कि आपको पहले तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा और इस वीडियो को आपको अपने एफबी वॉल पर शेयर करना होगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना होगा। ओके फ्रेंड, चलता हूं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी किन गलतियों की वजह से हमारी एफबी आईडी हैक होती है। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, हमको व्हाट्सएप पर और एफबी पर बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जहां पर ₹1 में लैपटॉप दिया जाता है, ₹2 में एलईडी टीवी दी जाती है और ₹5 में आईफोन 11 दिया जाता है। वहां पर दोस्तों उस मैसेज में एक लिंक भी होता है, उस लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं दोस्तों वहां पर साइनअप का मैथड पूछा जाता है। साइनअप का मैथड का मतलब है दोस्तों वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप साइनअप किस चीज से करना चाहेंगे, गूगल अकाउंट से करना चाहेंगे, फेसबुक अकाउंट से करना चाहेंगे, अपने फोन नंबर से करना चाहेंगे। दोस्तों अगर आप वहां पर सोचते हैं यार फेसबुक ही ज्यादा सही है तो आप वहां पर फेसबुक चूज कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप फेसबुक को वहां पर क्लिक करते हैं वहां पर आपसे फेसबुक की आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है। दोस्तों आप वहां पर जैसे ही फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं आपका फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड उन हैकर्स के पास पहुंच जाता है। अब दोस्तों आपको तो वहां कुछ भी नहीं मिलता है, जब आपको कुछ नहीं मिलता आप वापस आ जाते हैं, लेकिन आपका यूजर नेम और पासवर्ड उन हैकर्स के पास चला जाता है। अब दोस्तों उसका वो अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एफबी आईडी के हैक होने में और लाखों रुपए के स्कैम में क्या कनेक्शन है। दोस्तों एक्चुअली ये फ्रॉड मेरे 3 फ्रेंड्स के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको इतने अच्छे से बता पा रहा हूं। दोस्तों होता क्या है कि ये हैकर्स आपकी एफबी आईडी को हैक करके आपके एफबी फ्रेंड्स को एक मैसेज सेंड करते हैं कि भाई मेरी माता जी की तबीयत खराब है, मुझे ₹10,000 की अर्जेंट जरूरत है, या फिर मेरी बीवी की तबीयत खराब है, या फिर मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, ए टू जेड किसी को भी बीमार कर देते हैं और बोलते हैं मुझे अर्जेंट ₹10,000, ₹20,000, ₹5,000, जैसा देखते हैं कि जैसा बंदा है सामने उस तरह का मैसेज सेंड कर देते हैं। और वहां पर दोस्तों जैसे ही नॉर्मल सी बात है, अगर ये मैसेज आपको मिलेगा तो आप कॉल पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन दोस्तों वहां पर ये बता देते हैं कि मुझे 10 से 15 मिनट के अंदर पैसे चाहिए और इस टाइम मैं आईसीयू में हूं, मैं फोन पिक नहीं कर सकता हूं। यहां दोस्तों जब ये मैसेज आता है 100 लोगों के पास, वो मैसेज अगर 100 लोगों के पास मैसेज भेजेंगे तो नॉर्मल सी बात है 2 या 3 लोग तो इसमें 100% फंस ही जाएंगे और दोस्तों उसको पैसे ट्रांसफर कर देंगे। वहां पर गूगल पे नंबर दिया जाता है, वहां पर वो पैसे मांगते हैं और 2 या 3 लोग 100% ट्रांसफर कर देते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपको ये इस टाइप का कोई भी मैसेज मिलता है दोस्तों आपको तब तक पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं जब तक कि आप उससे फोन पर बात ना कर लें, आप कंफर्म ना कर लें कि ये आपका ही फ्रेंड है। दोस्तों जब तक आपकी फोन पर बात ना हो तब तक आपको ₹1 भी ट्रांसफर नहीं करना हो, चाहे वो बंदा कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना बता रहा हो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी सेटिंग की जाए कि हमारी एफबी आईडी हैक ही ना हो पाए, अगर हमारी एफबी आईडी का किसी को यूजर नेम और पासवर्ड भी पता चल जाए उसके बावजूद भी वो हमारी एफबी आईडी को लॉगिन ना कर पाए। जी हां दोस्तों, आपको अपनी आईडी में 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन यानी 2-स्टेप वेरिफिकेशन की सेटिंग करनी है। दोस्तों इसको कैसे करना है इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको अपनी एफबी आईडी में 2-स्टेप वेरिफिकेशन या 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन की सेटिंग कर लेनी है, जिससे कि दोस्तों आपका अगर यूजर नेम और पासवर्ड भी किसी को पता चल जाएगा उसके बावजूद भी आपकी एफबी आईडी लॉगिन नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही वो लॉगिन पर क्लिक करेगा एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जब तक आप वो ओटीपी नहीं डालेंगे तब तक आपकी एफबी आईडी कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी एफबी आईडी को बहुत ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज एक बार कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिएगा। अगर आपको मन करे, आपको लगता है कि मैंने वीडियो अच्छा बनाया और आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सब करें या ना करें लेकिन आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास, अपने एफबी फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करना है। ओके फ्रेंड, मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।